जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों, ये जगन्नाथ रथ यात्रा सारे विश्व में मनाया जाता है। यहाँ उड़ीसा राज्य के पुरी क्षेत्र में, जिसको हम श्री क्षेत्र भी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं और शंख क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ भी ये रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैष्णव धर्म के अनुसार ये माना गया है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के युगल स्वरूप के रूप में जगन्नाथ जी हमारे पुरी क्षेत्र में विराजमान हैं, और इस त्यौहार को पुरी क्षेत्र में और साथ ही साथ पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी को और बलभद्र और सुभद्रा माई को अलग अलग रथ में बैठाकर मंदिर से गुंडीजा मंदिर की तरफ ले जाया जाता है। भक्त द्वारा रस्सी खींचकर उनको वहां से ले जाया जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन निकाला जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा की वर्णन किया गया है। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी को, बलभद्र जी को और सुभद्रा माई को रथ में आरूढ़ किया जाता है और सारे भक्त भगवान के दर्शन करते हैं और भक्ति को प्राप्त करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग जगन्नाथपुरी में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस रथ यात्रा का आनंद उठा पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण के द्वितीय खंड में ये वर्णन किया गया है कि सतयुग में भी रथ यात्रा निकाली गई थी। आज पुरी का जहाँ मंदिर है वहाँ पर नील माधव जी विराजमान थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो अंतर ध्यान हो गए। फिर सतयुग के राजा इंद्रदुम को ये स्वप्न में आया कि पुरी में मंदिर बनाओ और यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के स्थापना करो। राजा इंद्रदुम ने कास्ट से 3 प्रतिमा, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा माई की प्रतिमा बनवाए। इसको बनाने में साक्षात विश्वकर्मा जी आए और वो कास्ट से मूर्ति बनाने लगे। इसी बीच समय से पहले माता गुंडीचा ने दरवाजा खोल दिया और ये मूर्ति अधूरी रह गई। माता गुंडीचा बहुत दुखी हुई, लेकिन ऊपर से देवता लोग आकाशवाणी किए और बोले, माता दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ये जगन्नाथ हैं और यहाँ ये इसी रूप में अब रहेंगे और इसी रूप में कलयुग के वासी उनका दर्शन करेंगे और धन्य होंगे। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई और बलराम जी पुरी मंदिर में स्थापित हुए। जगन्नाथ जी को वृंदावन की बहुत याद आती थी, वहाँ की गोप गोपियों को राधा रानी की बहुत याद आती थी। इसके लिए जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और इस भाव से निकाली जाती है कि भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। और फिर जगन्नाथ जी को रथ में बिठा के पुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर सारे भक्त रस्सी से खींचते हुए प्रेम की भाव से गुंडीचा मंदिर की तरफ ले जाते हैं। इस दृश्य को लाखों लोग अपने नयन में भरते हैं, खुशी से आंसू बहाते हैं, लाखों करोड़ों लोग इसका आनंद उठाते हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इस कलयुग में ये सब चीज़ हम देख पाते हैं। और उसके बाद में फिर गुंडीचा मंदिर में
भगवान 7 दिन रहते हैं, उसके बाद फिर वो वापस पुनः मंदिर में आते हैं। ये त्यौहार हमारे बिलासपुर में भी विगत 3-4 सालों से लगातार रथ यात्रा मनाई जा रही है। यहाँ के भक्त बड़े उत्साह होकर इस रथ यात्रा में भाग लेते हैं और साथ ही साथ हमारे बिलासपुर की जनता अति उत्साहित होकर हमारी रथ यात्रा में हमारा सहयोग देते हैं। वे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से हमारा सहयोग करते हैं और हम इस रथ यात्रा का नैनाभिराम होकर लुफ्त उठाते हैं। हम चाहते हैं कि और ये संख्या बढ़े, लोगों का हमारे इस्कॉन लोगों को सहयोग मिले और इसमें हमारी खुशी दुगनी हो जाए। आगे आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे रथ यात्रा के को आगे बढ़ाएं और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। नमस्कार।